कैसे हैं? आइए इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में भी पूछा जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। कहता है मेरा क्वेश्चन क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। गिवन आपका ये पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, कहता है कि नो सॉल्यूशन है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन होने का कंडीशन मैंने बताया हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी कह रहा है कि इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो आपको सबसे पहले जानना क्या है कि कंडीशन क्या है, तो पता होना चाहिए कि फॉर नो सॉल्यूशन A1 बाई A2 इजिकल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, एक कंडीशन बताया गया था। तो आइए सबसे पहले आपको जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया उसमें पता करते हैं कि A1 क्या है। हियर A1 इजकल टू दिया हुआ है 3। फिर से एक बार इक्वेशन को नीचे लिख देते हैं, हियर 3x + y - 1 इजकल टू 0, और कितना हो जाएगा इधर से 2k - 1x + k - 1y और -2k + 1 = 0, ऐसे लिख देंगे हम लोग जनरल फॉर्म में। इस तरह का फॉर्म बताए थे a1x + b1y + c1 = 0, इस फॉर्म में लिख दिया। इसके अनुसार से आप कर सकते हैं a1 कितना हो गया 3, a1 के वैल्यू 3 हो गया, b1 कितना हो गया 1 हो गया, y के साथ कितना है 1 है, और c1 कितना हो गया -1। फिर क्या है a2 कितना है, a2 आपका 2k - 1 b2 कितना है, b2 है k - 1 और c2 कितना है -2k + 1। ठीक है, ये सारा आपको लिख लिए कोएफिशिएंट। चलिए अब कंडीशन चलते हैं। नाउ आपको कंडीशन दिया हुआ a1 by a2 = b1 by b2 और नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो a1 by a2 कितना हो गया, तो 3y कितना लिख सकते हैं आप, 3y लिख सकते हैं 2k - 1 = b1 by b2, तो कितना हो गया 1 by k - 1, ओके नॉट इक्वल टू c1 by c2, मीन्स कितना हो गया -1 by -2k + 1, ओके इधर कट गया माइनस। चलिए आप क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन लेके ले लेते हैं, ये दोनों इक्वेशन इक्वल करते हैं, तो लिखेंगे 3 में k - 1 से गुना कर देंगे, 3 2k - 1 = 1 by k - 1, इसको एक्सटेंड करते हैं तो कितना हो जाए 3k - 3 = ये 3k - 3 हो गया और ये 2k - 1 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3k में से 2k घट गया तो k = 2 हो गया, तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया, ओके। फिर क्या है नेक्स्ट कंडीशन, इस कंडीशन में रखेंगे नाउ अल्सो 1 by k - 1 नॉट इक्वल टू 1 by 2k + 1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k + 1 नॉट इक्वल टू k - 1, ओके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k, ठीक है यहाँ से आपका कितना हो जाए 2k, इधर से हो गया -k नॉट इक्वल टू, इधर हो गया 1 1 हो गया -1 और हो गया -1, ठीक है। मीन्स यहाँ से कर सकते हैं
यहाँ टू के में से कह गया के नॉट इक्वल टू माइनस टू। तो कह सकते हैं हिंस फोर वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू टू एंड नोट एंड नोट टू गिवन पेयर्स हैज नो सॉल्यूशंस। मीन्स के के टू वैल्यू, जब के का वैल्यू टू लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के एकदम मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। बट के का वैल्यू माइनस टू पे मेनी सॉल्यूशन नहीं देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस तरह बनाने का कोशिश करेंगे। इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चंस आपको बुक में दिया हुआ है और बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का है। तो सबसे पहले जो भी कंडीशन है, कभी कभी यूनिक सोल्यूशन होता है, कभी कभी नो सोल्यूशन होता है, कभी इनफिनाइट सोल्यूशन होता है, तो सारे कंडीशन पे आप रख रख के उस तरह के का वैल्यू निकाल दें। कभी कभी कहते हैं फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एम, तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन दिए रहेंगे। सभी का प्रोसेस एक ही है, सभी के कंडीशन आपको याद करके रखना है और उस कंडीशन पे रख के सोल्व कर लेना है। के का वैल्यू, का पी का वैल्यू, चाहे एम का वैल्यू निकालें। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे आप लोग। और अगर इसके अलावा भी कभी प्रॉब्लम अगर है तो आप हमें प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। और इसी तरह प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें और फीडबैक भेजते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक्स।